ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आप सभी का साइंसदार चैनल पे। मैं साई अनु एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए और इस चैनल को अपना चैनल मानकर आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ जो लोग मुझे कहते हैं आपके चैनल की हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, आपकी वीडियो हमारे तक नहीं पहुँचती है, तो उनसे मैं कहना चाहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करो, तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। और जो लोग साइंस संभाल लेंगे परिवार से ऐड होना चाहते हैं वो आप हमें 9779761366 आपको नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, तो वो नंबर पे आप हमें मैसेज करोगे और बता के करना कि आपको ग्रुप से ऐड होना है, अपना नेम और आप उस पर शेयर कर दो, क्योंकि ग्रुप में ऐड होने से आपको चैनल पे जो वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन और हम चैनल पे क्या क्या करने वाले हैं बाबा से रिलेटेड उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। ये सारी बातें हो गई चैनल के लिए। अब हम आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं जो कि मेन टॉपिक है वीडियो का। जैसा कि अभी आपने कम्युनिटी बॉक्स में देखा होगा, हमने श्री साई सच्चरित्र निःशुल्क देने का एक प्रॉमिस किया है बाबा से, एक सेवा अपने हाथों में ली है कि बाबा ये सेवा हम कर सके। क्योंकि एक दिन मेरे पास एक कॉल आता है, एक मैसेज आता है कि दी हमारे पास साई सच्चरित्र नहीं और मैं ले नहीं सकती, साई सच्चरित्र कहाँ से मिलता है मुझे नहीं पता, अगर आप इसमें मेरी कोई हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। तो मुझे उस दिन जब मैं पाठ में बैठी, मैं खुद साई सच्चरित्र पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ पता नहीं बाबा ने बोला या फिर बाबा का ही संदेश होता है जो हमें किसी अदर, मतलब इनडायरेक्टली होता है लेकिन बाबा कहते हैं। तो बाबा ने मुझसे कहा कि ऐसी सेवा शुरू की जाए, क्योंकि मैं एकदम से तो सब नहीं कर पाऊँगी, है ना, लेकिन धीरे धीरे चलते हुए हम सब कुछ कर लेंगे, है ना। बड़ा पैर पसार दूँ और मैं कर ना पाऊँ वो गलत बात है, छोटे छोटे पैरों से चलूँगी तो शायद आगे चल के बड़ी सीढ़ी को मैं हासिल कर पाऊँगी। छोटी संख्या में हम साई सच्चरित्र देना स्टार्ट कर रहे हैं और एक दिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसा होगा और बहुत लोगों को साई सच्चरित्र से बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि एक दिन घर घर में साई सच्चरित्र होगा और हर भक्त साई सच्चरित्र बाबा के बारे में जानता होगा, क्योंकि जब तक आप बाबा को जानोगे नहीं तो मानने की जो श्रद्धा है ना, जो आस्था है आपकी, वो टिकेगी नहीं कि यार नहीं कुछ नहीं। लेकिन जो साई सच्चरित्र पढ़ता है वो वाकई बाबा के करीब जाता है, क्योंकि सबके भाग्य में नहीं है साई सच्चरित्र पढ़ लेना। कईयों के पास तो रखा होता है लेकिन लोग पढ़ नहीं पाते, कईयों के पास लाख पैसा रखा है लेकिन लोग शिरडी नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि बाबा की कृपा नहीं होती, पैसा है सब कुछ है लेकिन शिरडी नहीं जा पा रहे हैं, देख लो। इसलिए साइंस सच्चरित्र पढ़िए, डेली का आपको एक चैप्टर पढ़ना है। और कुछ लोग तो ऐसे भी जो महापारायण से ऐड हैं, बहुत सारे चैनल्स पे लिंक भी आए हैं महापारायण के, तो वहाँ से लोग ऐड होते हुए भी क्या करते हैं, फ़ोन से पढ़ते हैं, पीडीएफ से पढ़ते हैं, तो अच्छे से नहीं पढ़ा जाता है, मुझे पता है। आप लोग श्री साई सच्चरित्र हमारी तरफ से, साईंदार चैनल की तरफ से आपके पास जाएगा और आपको बाबा का पूजन करने के बाद बाबा को घर में, साई सच्चरित्र आ गया तो बाबा आ गए ही समझिए, ठीक है ना। तो बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा आपके लिए साई सच्चरित्र। और अगर मुश्किलें आती हैं तो ये बाबा पर दोष ना लगाया करो यार, ठीक है, मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों के बाद ही हर इंसान बनता है। हर इंसान, सक्सेसफुल इंसान के पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो उसने फेस करके आज आगे निकला होता। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने प्रॉब्लम्स नहीं फेस किया, और आप भगवान ने फेस किया तो हम क्या चीज़ हैं, है ना। तो साई सच्चरित्र का ऐसा है कि हर पांच पांच साई सच्चरित्र आप तक जाएंगे, पांच रेवोटी तक हम हर मंथ या फिर जैसा भी बाबा की इच्छा होगी पाँच। अभी नेम हम नोटिस करते हुए नेम लिखते चल रहे हैं हम लोग कि जिस जिसका नेम लिखा जाएगा उसके नेम अनाउंस किए जाएंगे और अनाउंस करने पर जिसका एड्रेस हमें मिल जाता है उसके पास श्री साई सच्चरित्र भेज दिए जाएंगे। जिनका एड्रेस नहीं आता है उस समय वो नाम हटाकर दूसरा नाम जो नेक्स्ट नेम होगा वो कर दिया जाएगा। जब उनका एड्रेस आ जाएगा तो उनको वो भेज दिए जाएंगे, ठीक है, नाम काटा नहीं जाएगा आपका। लेकिन जब आप अपना एड्रेस भेजोगे हमें, लेकिन सिर्फ पाँच डिवोटीज़ को ही हर मंथ जाएगा श्री साई सच्चरित्र, बाबा का प्यार, बाबा का आशीर्वाद, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। हर मंथ पांच श्री साई सच्चरित्र
पांच भक्तों तक जाएंगे और जिसका एड्रेस उसमें से नहीं आता है तो उस नाम को उस वक्त हटाकर जो पिछला नाम है वो आगे रख दिया जाएगा, वो नाम उसकी जगह कर दिया जाएगा। जब आपका एड्रेस आएगा नेक्स्ट मंथ तब आप हमें भेज देना, ठीक है। चैनल को देखते रहो, इसीलिए कह रही हूँ चैनल को देखोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर आप चैनल नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं लग पाएगा। और आगे भी क्या करने वाले हैं हम, हमें कुछ नहीं पता, सब बाबा के आशीर्वाद और आपके प्यार की वजह से करते हैं हम, ठीक है। सब बाबा पर निर्भर है और आप पर निर्भर है, आप ही हो और बाबा ही हैं मुझे बनाने वाले, मुझे मोटिवेट करने वाले, ठीक है। तो आपको आपको मेरा कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को देखते रहना है, क्योंकि कब क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए कोई नहीं जानता। और फेक बाबा के बारे में मैं बताती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ करना जो ना बाबा ने किया तो मैं क्यों करूँ, है ना। फेक ये कर लो वो कर लो ये उपाय कर लो, उपायों से काम नहीं बनता है, कर्म करने से बनता है। अच्छा हाँ, कर्म करने का मतलब ये भी नहीं कि आपने जानवरों को खाना खिला दिया, भूखों को खाना खिला दिया, वो आपने अच्छे कर्म कर लिए। कर्म करने का एक और है, वो है सोच, ठीक है। आपने भूखों को खाना खिला दिया, जानवरों को खाना खिला दिया, सब कुछ अच्छे अच्छे काम कर दिए, उसके बाद अगर आप कह रहे हो अरे मैं तो इतना करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो सब धुल गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसको करने का आपके, ठीक है। करो और बाबा पर छोड़ दो, अच्छे कर्म करने के बाद बाबा पर छोड़ दो। आपने कुछ नहीं किया, आप कोई नहीं होते हो करने वाले, हम कोई नहीं होते हैं करने वाले, ठीक है। वो उनका कर्म है, उनका भाग्य है, हमें खींच कर लेकर जाता है, हम उनके लिए बनाते हैं ना, तो हम उतना बड़ा कोई एहसान नहीं करते हैं उन पे। कहते हैं अगर कह करने के बाद जता दिया तो क्या किया, हाँ करने के बाद अगर आपने जता दिया कि अरे मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, फिर वो एहसान क्या मतलब है उस चीज़ का। फिर करो और भूल जाओ, अच्छे काम करो और भूल जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा जो देखने वाला है वो देख रहा है, ठीक है। वीडियोस शेयर करो, क्योंकि लोगों को मोटिवेट करना है, एक देखेगा तो एक, चार लोगों को नहीं खिलाएगा, कम से कम एक लोगों को तो खिलाएगा ना, एक घर को तो खिलाएगा, ज़्यादा नहीं कर पाएगा, एक इंसान के लिए तो कर पाएगा, एक बच्चे के लिए तो कर पाएगा, एक जानवर के लिए तो कर पाएगा। वीडियो डालने का मतलब ये होता है कि आप मोटिवेट हो जाओ, अच्छे काम करो। कई लोग तो खुद नहीं करते हैं, वो डोनेशन में कर देते हैं, दे देते हैं कि हमारी तरफ से ही कर देना, तो वो भी एक नेक काम है ना, वो भी सीखते हैं कि हाँ भाई ये कर रहा है तो मुझे भी, अगर मैं खुद नहीं कर सकता, मेरे यहाँ पे नहीं है जगह, मतलब नहीं कर सकता यहाँ पे, तो हम उसको दे देते हैं, वो हमारी तरफ से कर देगा, ठीक है। ऐसा हमारे बहुत सारे डिवोटीज करते हैं, बहुत सारे चैनल के सदस्य करते हैं जो ऐसा काम करते हैं, मुझे इसके योग्य समझते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच आपका, जो आप मुझ पर विश्वास करके मुझे काबिल समझते हो उस चीज़ के। और मैं भी ये बाबा से दुआ करती हूँ कि मुझे उनका विश्वास कायम रखने के काबिल बनाए, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, आपके श्री साईं सच्चरित्र आपके घर तक कैसे पहुँचेंगे उसका ये ऐसा आपको करना है। जब भी वीडियो आती है आपके नेम नोटिस किए जा, आपके नेम हम नोट कर रहे हैं, जिन जिन के भी कम्युनिटी बॉक्स में मैसेजेस आए हैं वो हम लिखे जा रहे हैं। पहला नेम है मनप्रीत भारद्वाज, दूसरा नेम है वंदना कल्याण जी, तीसरा नेम है ममता जी की कोई सिस्टर है उनका है, चौथा नेम अभी मैं डाल दूँगी कम्युनिटी बॉक्स में कि इन इन लोगों के घर जा रहे हैं। अगर जब मैं अनाउंस करूँगी तो आपका एड्रेस मुझे मिल जाना चाहिए, हम लाइव अनाउंस करेंगे और लाइव आपका एड्रेस अगर मुझ तक आ जाएगा तो ठीक है, और नहीं आते तो फिर उसकी जगह पे जो नेक्स्ट होगा उसको कर दिया जाएगा, ठीक है। लिस्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी पांच लोगों की, और अगले आने वाले साइंस सचेत के लिए आप इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे बाबा, और बहुत जल्दी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, अपना हाथ मेरे सर पर रखिए, और बाबा से भी यही कहती हूँ देवा मुझे अगर इस काबिल बनाया है तो मेरी हिम्मत को भी बरकरार रखना, और मेरी हिम्मत बांधने वाले एक बाबा हैं और एक कौन है, ठीक है। तो हिम्मत को मेरी बनाए रखना, चैनल पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ठीक है। मैं पहली बार बोल रही हूँ ऐसा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, मतलब जैसा भी आपको जो लगता है वो वैसा आप करना, मुझे बताते रहना, कमेंट के ज़रिए मुझे पता लग जाता है, ठीक है। और जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो वो मुझसे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है।
और नेम आपको अपना नेम मैसेज करना है, जो भी एड्रेस आपको कंप्लीट अपना एड्रेस भेजना है मेरे पास, और स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो जाएगा आपको सारे। कुछ भी अगर छूट जाता है मुझसे बताने के लिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। 9779769166। ओम साईं राम, जय साईं राम।